बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनके परम मित्र अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर करते हुए अपने दोस्त को श्रद्धांजलि दी। सतीश कौशिक एक बहुत ही उम्दा थिएटर एक्टर, कॉमेडियन और डायरेक्टर थे। मिस्टर इंडिया में कैलेंडर और दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर के रूप में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए थे। उम्दा थिएटर आर्टिस्ट, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता डायरेक्टर सतीश कौशिक का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके दोस्त अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम ट्विटर पर यह खबर शेयर की। अपने दोस्त सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश। ओम शांति। सतीश कौशिक एक बहुत ही उम्दा अभिनेता, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन थे। उनका जन्म 13 अप्रैल 1956 को हुआ था। उन्होंने डायरेक्टर शेखर कपूर के मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने जाने भी दो यारों, राम लखन, साजन चले ससुराल, स्वर्ग, दीवाना मस्ताना जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया है। सतीश कौशिक की देहांत पर शोक व्यक्त करते हुए बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर ने लिखा, अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत स्तब्ध हूँ, जो हमेशा जीवंत, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर थे। उन्हें फिल्म जगत और लाखों प्रशंसकों द्वारा बेहद याद किया जाएगा। मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इसके अलावा कौशिक के देहांत की खबर सुनकर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी उनको याद करते हुए ट्वीट शेयर किया है। कंगना ने कहा कि इस भयानक खबर के साथ जागना हुआ। वह मेरे सबसे बड़े चीयर लीडर थे, एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे। मुझे उन्हें इमरजेंसी में डायरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा था। उनकी कमी हमेशा खलेगी। ओम शांति।